डॉक्टर सुशील गुप्ता, निदेशक प्रेरणा बम्बई स्कूल आगरा, अध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स ऑफ आगरा। कोरोना फिर दोबारा आ गया और ये स्थिति विषम हो गई। जहां तक स्कूल कॉलेजेस का सवाल है, सभी स्कूल कॉलेजेस और ऑनलाइन की से शिक्षा का पठन पाठन हो रहा है। ना बच्चे स्कूल आ रहे हैं, ना टीचर्स स्कूल आ रहे हैं, और मैं समझता हूँ ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऑनलाइन क्लासों से होने से बच्चे का एक नियमित एक उनका शेड्यूल बन जाता है, जिससे वो 7 बजे उठते हैं, नहा धो के दूध पी के और अपने 3 घंटे की क्लासेस अटेंड करते हैं। हमने अध्यापकों से भी बहुत लिया और उनका भी ये कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस चालू रहनी चाहिए। यहाँ तक सामाजिक व्यापारिक ऑफिस के प्रतिष्ठान का सवाल है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि 50% से कम लोग ऑफिस आए, बाकी अपने घर से ही बैठ के काम करें। हम लोगों को अभी भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही एक ऐसा तरीका है जिससे कि हम लोग कोरोना की चेन को तोड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से आगरा में केसेस बढ़ रहे हैं और अब आंकड़ा जो है वो 850 केसेस पर डे का हो गया है, जैसा कि गवर्नमेंट बताती है, कुछ लोगों का कहना है कि केसेस शायद इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें लॉकडाउन की अवधि जो इस समय सरकार द्वारा शुक्रवार को शाम 8 बजे से मंगलवार की सुबह 7 बजे तक है, इसको और बढ़ानी चाहिए। और इसको अगर हम लोग एरिया वाइज बढ़ा दें तो मैं समझता हूँ कि शायद उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और इसके हम लोगों को खुद ये सोचना चाहिए कि अगर हमें बाजार निकलना ज़रूरी है तो हम लोग पूरी सावधानी से निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आदि जितना भी हो सकता है, और ख़ास करके देसी नुस्खे जो हैं, गर्म पानी पीना, स्टीम लेना, इन सब का हम लोग ख्याल करें। और अननेसेसरी हम लोग चीज़ों को डर के मारे जमा ना करें, जिससे कि बाजार में सामान की कमी हो जाए। इस सब के साथ मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बात का ध्यान रखें कि घर से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि एक नई बात जो सामने आ रही है जो बहुत चिंताजनक है कि ये कोरोना अब एयरबोर्न माना जा रहा है, यानी ये वायुमंडल में आ चुका है, और अगर किसी परिवार में एक को हो जाता है तो सुनने में ये आ रहा है कि पूरे परिवार को हो रहा है। तो इस सब के साथ मैं कहूँगा कि सरकार को सख्ती भी करनी है, हम सब लोगों को अपना सामाजिक उत्तरदायित्व तो समझते हुए हम लोगों को घर से कम बाहर निकलना है, और परिवार में जितना मिलजुल के अगर हम लोग रह सकें, एक दूसरे की परेशानी में काम आ सके, तो मैं समझता हूँ वो दिन दूर नहीं है जब कोरोना जो है वो हम हरा लाएंगे। इसी सब शुभकामनाओं के साथ मुझे उम्मीद है कि सब लोग स्वस्थ रहेंगे, सेफ रहेंगे।